नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से एक टेडी बियर हग और ढेर सारा प्यार, ढेर सारा थैंक यू मेरी प्री ब्राइडल सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। उनमें बताए गए फेशियल्स, यू नो, सीरम्स, हेयर ऑयल्स, हेयर स्पा, सब कुछ ट्राई करने के लिए और ट्राई करके रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करने के लिए। इंस्टाग्राम पर भर भर के आपके फीडबैक्स आ रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे बिफोर आफ्टर के रिजल्ट्स आप लोग शेयर कर रहे हो, जिन्हें जल्दी ही मैं आने वाले वीडियोस में पोस्ट करूंगी। तो जिन्होंने प्री ब्राइडल सीरीज के वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन पे भी मैं दे दूंगी। आज ब्यूटी को छोड़ के हम ओवरऑल हेल्थ पर बात करेंगे, इम्यूनिटी पर बात करेंगे। और एज यू नो कि सर्दियां अब बढ़ती ही जा रही हैं, न्यू ईयर आने वाला है और ऐसे टाइम पे ना वो ठिठुरन वाली ठंड आ जाती है। और ऐसी सर्दी में अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो बार बार आपको सर्दी जुकाम होता है, खांसी होती है, बुखार होता है। कई लोगों के सिर में पूरा दिन दर्द बना रहता है, कई लोगों को कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, पूरा बॉडी एक होता रहता है और काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। और कोल्ड, कफ, बॉडी पेन, ये सब प्रॉब्लम जब होती है तो हम ढेर सारी दवाइयाँ खाने लग जाते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटी एलर्जिक्स लेते हैं और साथ ही साथ पेन किलर्स लेते हैं, जो कि फर्दर हमारी बॉडी को और वीक करते चले जाते हैं। वेल, इस सर्दी के मौसम में ना माँ प्रकृति हमें ढेर सारी ऐसी चीज़ें देती है जिनसे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, इन्फेक्शंस को नेचुरली क्योर कर सकते हैं और पेन को भी दूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ये दो टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी, आपके बॉडी पेन को दूर करेंगी, शरीर को एनर्जी से भर देंगी। बच्चे बूढ़े सभी इन्हें खा सकते हैं। बच्चों को कभी आपने आंवला जूस दिया है, पिया उन्होंने? नहीं पिया ना, ये चटनी देना उनको। हमेशा खाएंगे, मांग मांग के खाएंगे, पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ ये चटनी खाएंगे और देखना उनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है। नज़ला, जुखाम, खांसी बिल्कुल नहीं होने वाला है उनको। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ताकत लाने के लिए चॉकलेट मखाने उनको दीजिएगा, मांग मांग कर आपसे खाएंगे। ये दोनों रेसिपी बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है, मेरे दिल के करीब है। तो इन दोनों की रेसिपीज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसे अगर आप खाओगे तो मार्केट का च्यवनप्राश बिल्कुल भूल जाओगे, इतनी अच्छी इम्यूनिटी ये आपकी कर देगा और पूरे साल की इम्यूनिटी बन जाएगी अगर आप डेली ये दो चम्मच चटनी खाओगे तो। और साथ ही साथ नेचर का वरदान ये इम्यूनिटी ड्रॉप्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ये आंवला की हेल्दी एंड टेस्टी चटनी के साथ। दोस्तों, आंवला यानी कि इंडियन गूजबेरी विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है और सर्दियों में ही इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको लेने हैं ये 250 ग्राम आंवले। इन्हें धो लिया है मैंने और अच्छे से पोंछ लिया है, सुखा लिया है। इन्हें ग्रेट कर लेंगे, ग्रेटर की हेल्प से कद्दूकस कर लेंगे और जो इसकी गुठली है उसको हम अलग कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए 250 ग्राम आंवला मैंने ग्रेट कर लिया है। अब लेंगे एक पैन, उसमें दो चम्मच ऑयल हम डालेंगे और थोड़े से सौंफ डालेंगे। सौंफ जब हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो ये जो घिसा हुआ आंवला है ये हम पैन में ऐड कर देंगे। आंवले को हमने भूनना है, तब तक भूनना है जब तक कि आंवले का जो पानी है वो थोड़ा सा सूख नहीं जाता और आंवला हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो इस तरीके से इसे भून लेंगे। इस प्रोसेस में तकरीबन 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये देखिए आंवला भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गुड़। गुड़ आपको लेना है 100 ग्राम्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। 100 ग्राम्स इज इनफ इन 250 ग्राम्स ऑफ आंवला। तो ये मैं गुड़ ऐड कर रही हूँ, अलग से मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इसी में ही ऐड करें और हल्का सा चलाएंगे तो गुड़ मेल्ट हो जाएगा। गुड़ आप देसी वाला लीजिएगा, जो डार्क कलर का गुड़ होता है उसमें केमिकल्स नहीं होते हैं, वो वाला गुड़ लीजिएगा। ये देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो चुका है, पानी छोड़ना शुरू कर दिया है इसने। और इसको थोड़ी देर और भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका पानी थोड़ा सा सूख नहीं जाता। चलाते रहेंगे इसको थोड़ी देर। ये देखिए गुड़ का पानी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक, मिर्च, गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी मैं ऐड कर रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है इसका, और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ बाद में। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छे से हम इसे और भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हो,
मैं यहाँ पर काजू ऐड कर रही हूँ, आप किशमिश भी ऐड कर सकते हो, बादाम भी ऐड कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। और खरबूजे के बीज होते हैं ड्राइड, वो भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये अब हमारी आंवले की हेल्दी एंड टेस्टी चटनी रेडी है। इसे मैं एक बाउल में शिफ्ट कर लेती हूँ। बहुत ही प्यारा कलर आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर है, और जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना, खाने में उतनी ही अच्छी है। काश मैं आपको टेस्ट करा सकती ये वीडियो से ही। रियली बहुत बहुत टेस्टी है ये चटनी, और मैं तो इसे ऐसे भी खा सकती हूँ। तो बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, खुद खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। नेक्स्ट रेसिपी चॉकलेट मखाना, जिसे बच्चे बड़े बूढ़े सब खाएंगे, और आजकल सर्दियों के मौसम में बहुत टेस्टी लगते हैं ये, एकदम क्रंची और हेल्दी हैं। कैसे बनाना है बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बता देती हूँ ये प्रियो क्लीन IVR रिलीफ ड्रॉप्स के बारे में, जो कि कॉमन कोल्ड, थ्रोट इन्फेक्शंस, नेजल कंजेशन, नोज इरिटेशन, थ्रोट इरिटेशन, कफ और हेडेक्स के लिए बहुत बहुत असरदार है, काबिले तारीफ है। लास्ट वीक मुझे हल्का सा कोल्ड हुआ था, एंड मैंने दिन में दो बार इसे ग्रीन टी में डाल के पिया, एंड द कोल्ड जस्ट गॉट वैनिश विद इन 2 डेज। तो मुझे बहुत इफेक्टिव लगी, और कॉस्ट फ्रेंडली भी है ये, बहुत ही इकोनॉमिकल है। कोरोना के टाइम में जब हल्का सा भी जुकाम हमें होता है और डर लगने लग जाता है कि कहीं कोरोना तो नहीं है, तो ये बड़े काम की चीज है, जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। साथ ही साथ हल्की सी भी प्रॉब्लम अगर आपको है, या फिर आपको हल्की सी खांसी आ रही है, छींके आ रही है, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन एड टू योर रूटीन, क्योंकि ये ऑल नेचुरल है। बहुत सारे इसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड है ये, और इसे आप 3 तरीके से यूज कर सकते हो। आप इसकी 2 ड्रॉप्स ग्रीन टी, कॉफी या फिर मिल्क में ऐड करके ले सकते हैं। मैं इसे ऐसे यूज करती हूँ टू बूस्ट माई इम्यूनिटी। एंड अगर आपको खांसी जुकाम है, साइनस इन्फेक्शन है, या फिर सिर में बहुत तेज दर्द होता है, तो आप इसे नोज के आसपास लगाकर हल्की हल्की मसाज कर लीजिए, आपका नेसल पैसेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अपने टेम्पल्स में मसाज करेंगे तो आपका हेडेक गायब हो जाएगा। और इसकी 8-10 ड्रॉप्स आप वेपराइजर में डाल दीजिए, स्टीमर में डाल दीजिए, और इसे स्टीम इनहेल करेंगे तो भी आपके ये पूरे साइनसेस क्लियर हो जाएंगे, जो भी बलकम खांसी है वो खत्म हो जाने वाली है। सभी एज ग्रुप्स को सूट करते हैं ये ड्रॉप्स, 5 साल के ऊपर के बच्चों से लेकर किसी भी एज तक आप इन्हें यूज कर सकते हैं। और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं मैं बता देती हूँ आपको। इसमें है सिनेमन ऑयल, कैम्फर ऑयल, मेंथा ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, बेसिल ऑयल यानी कि तुलसी का ऑयल है, और अजवाइन ऑयल है, लेमन ग्रास ऑयल है, पेपरमेंट है, जिंजर ऑयल है, नटमेग है, टर्मरिक ऑयल है यानी हल्दी का ऑयल है, लिकोरिश ऑयल है, मुलेठी का ऑयल है, क्लोव ऑयल है यानी कि लौंग का ऑयल है, पिपली है, ब्लैक क्यूमिन ऑयल है, और कार्डमम यानी इलायची का ऑयल है। तो ये जितने भी ऑयल्स हैं, इनमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, पेन को दूर करते हैं ये ऑयल्स। स्नीजिंग अगर आपको बार बार आ रही है तो बहुत अच्छा है ये। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है आपको तो हल्की हल्की मसाज कीजिए माथे पर और टेम्पल पर, बहुत अच्छे रिलीफ देगा। गले में इचिंग सी हो रही है तो भी इसे आप यूज कर सकते हो, आप ऐसे गर्दन पर लगा दीजिए, या चेस्ट पर और बैक पर भी लगा सकते हो। तो बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत रिलीफ मिला है। एंड इसका प्राइस है 185 रुपीज, तो बहुत बहुत इकोनॉमिकल भी है। तो इसे एज अ इम्यूनिटी बूस्टर आप ले सकते हैं, तो लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जरूर दे दूंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं मेरी चॉकलेट मखाना रेसिपी की तरफ। बहुत ही टेस्टी है, मैं तो ये पूरा का पूरा बाउल खा सकती हूँ। ये लीजिए जी, मैंने मखाने लिए हैं तकरीबन 50 ग्राम। ये दिखने में ज्यादा लगते हैं 50 ग्राम भी, बिकॉज बहुत लाइट वेट होते हैं ये। तो ये है 50 ग्राम मखाना, और इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, पैन में डालेंगे और हल्की आंच पर इनको भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाते, अभी ये सॉफ्ट है, क्रिस्पी हो जाएंगे भून करके, और गोल्डन ब्राउन सा कलर इनका हो जाएगा बीच बीच में से। तो 3 से 4 मिनट का समय इसमें लगेगा, और ये देखिए मखाना हमारा क्रिस्पी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे, और 2 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमारे को। अब हमें चाहिए चॉकलेट, कोई भी चॉकलेट वैसे तो आप ले सकते हो, मैं यहाँ ले रही हूँ डार्क चॉकलेट, बिकॉज डार्क चॉकलेट सर्दियों के मौसम में इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी होती है, और बहुत ज्यादा स्वीट भी नहीं होती है ये, तो मैं ये डार्क चॉकलेट ले रही हूँ। वैसे आप कोई भी चॉकलेट जो आपके घर में बच्चे खाते हैं वो आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम चॉकलेट को पैन में डालेंगे और मेल्ट करेंगे, चाहो तो माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हो। तो मैं चाह रही थी कि बर्तन कम गंदे हो, तो मैंने इसी पैन में डाल लिया, और मैं इसे मेल्ट कर रही हूँ डायरेक्टली गैस पर।
हार्डली 30 सेकेंड का टाइम लगेगा। ये देखिए चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब ये जो मखाना हमने भूना था वो हम चॉकलेट वाले पैन में शिफ्ट कर देंगे। मिलाते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, तब तक मिक्स करते जाएंगे जब तक कि हर एक मखाने पर चॉकलेट इस तरीके से चढ़ नहीं जाती है। तो इस तरीके से हमने पूरे मखाने और चॉकलेट मिक्स करते जाएंगे और ये देखिए चॉकलेट मखाना बिल्कुल तैयार है। इसे मैं प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ और 10 मिनट के लिए फ्रिजर में रखूंगी ताकि चॉकलेट जो है वो फिर से जम जाए और हम एक एक मखाने को अलग अलग कर सकें। तो फ्रिज में रखते हैं, 10 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए जी हमारे चॉकलेट मखाने बिल्कुल सेट हो चुके हैं। इन्हें अब हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी वे टू बूस्ट योर इम्यूनिटी और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। बच्चे जल्दी से ऐसी चीजें नहीं खाते हैं, ना आंवला खाते हैं ना ही वो ये मखाने खाते हैं, लेकिन इस फॉर्म में दोगे तो जरूर खाएंगे वो और बहुत ही मन पसंद हो जाएंगे उनके और आप बार बार बनाने वाले हो इस रेसिपी को। तो इस सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा ये दोनों रेसिपीज और जब बनाओगे ना तो मेरे साथ पिक जरूर शेयर करना इंस्टाग्राम पर। मुझे बहुत खुशी होगी, हो सकता है आपकी पिक मेरे नेक्स्ट वीडियो में भी फीचर हो। तो बनाना तो बनता ही है।